देवास जिले के उदयनगर वन परिक्षेत्र में लगातार बेशकीमती सागवान के पेड़ों की अवैध कटाई जोरों पर हो रही है। 8 दिन में दूसरी बड़ी वारदात सामने आई, जहां दड़ के जंगल में अवैध रूप से भूसे में छिपा कर रखी सागवान के 28 नग मिले। लेकिन वन विभाग पूरे मामले को दबाने व छिपाने में लगा हुआ है और आला अधिकारी भी फोन नहीं उठा रहे। लगातार हो रही कटाई को लेकर विभाग सोता हुआ नजर आ रहा है। वहीं क्षेत्र में विभाग के नाकेदार मुख्यालय पर नहीं रहते हुए इंदौर से नौकरियां कर रहे हैं। ऐसे में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। लगातार लकड़ी कटाई होने के बाद भी वन अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रह गई, जबकि आज से 15-20 साल पहले की तुलना में आधे जंगल भी नहीं बचे। विभाग की उदासीनता रही तो बचा कुचा जंगल भी साफ हो जाएगा।